हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे और आपको जीवितों की जमीन पर सुरक्षित और स्वस्थ रखा है अभी तक। आज का दिन उसने आशीष के रूप में मुझे और आपको दिया, और हालेलुया, उसने मुझे और आपको आज का दिन आशीषित और एक अवसर के रूप में दिया है, जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक अभी तक हम उसके अनुग्रह में, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों में पाए जाते हैं। सो उसका धन्यवाद करें, और प्रभु परम प्रधान परमेश्वर अपनी रहम में, अपने वचन में और अपनी संगति में और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे और आपको आज के वचन के अनुसार, आज के वचन से मुझे और आपको आशीषित करें। और तमाम लोग जो आज के वचन के अनुसार किसी परेशानी में, दिक्कत में हैं, वो सब लोग शांति पाएं और प्रभु की संगति में होते हुए उसके वचन के द्वारा अपने आप को उससे आशीषित कर सकें। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हुई आगरा मसीही मंडली पेज पर अनुपम ब्रदर का और शबनम सिस्टर का मैं तहे दिल से धन्यवादित हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने पेज पर, आगरा मसीही मंडली पेज पर मुझे लाइव होने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। प्रभु आपको, आपकी मिनिस्ट्री को और आपकी कलीसिया को और आपके प्रभु के उन योजनाओं को जो आप पूर्ण करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी आशीषित करें, और आपको अपनी पवित्र सहभागिता में यूं ही लिए चले। और तमाम लोगों को भी स्वागत करती हूँ जो एक एक करके जुड़ेंगे हमारे साथ प्रभु के वचन में, या बाद में जो वीडियो देखेंगे उनको भी प्रभु में हो करके सलाम, जय यीशु मसीह की। और प्रभु करे कि आप सबों को आज के वचन के द्वारा आप सराबोर हो जाएं और आशीषित हो, और प्रभु की नज़दीक को महसूस कर सकें, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकें और उसकी योजनाओं को जान सकें कि मेरे और आपके लिए या हर मनुष्य के लिए उसकी योजनाएं अलग अलग होती हैं, तो मेरे और आपके लिए योजना क्या है हम समझ सकें, जान सकें। इस चीज़ के लिए प्रभु से मांगिए, तो सच ये है कि वो हमें ज्ञान देता है, जैसे नीति वचन बोलता है कि ज्ञान के द्वारा कुछ भी नहीं। सो मैं आप लोगों से विनती प्रार्थना करती हूँ कि अंतिम क्षणों तक वचन में बने रहिएगा, प्रभु की संगति में बनी रहिएगा, ताकि आप पूर्ण संगति से पूर्ण आशीषित हो सकें। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करने के लिए तैयार हो, अपनी आँखों को बंद करें और अपनी उस संगति के लिए कि जो कि प्रभु मुझे और आपको हर पल हर क्षण देना चाहता है और हर अनुग्रहों से, अति करुणा से अपनी नवाजना चाहता है, उसका हम आनंद उठाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परम प्रधान परमेश्वर पिता स्वामी, तेरी जय हो, तेरी ही परस्तिश करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते हैं, हमारे जीवनों से तेरी ही महिमा हो, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, संसारिक ताकि हर बात को पिता परमेश्वर अपने हृदय से, अपने विचारों से, अपने जीवन से दूर करते हैं, निकालते हैं, ताकि तेरा वचन और तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में पाई जा सके। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक दिन और नवाजा। आज का दिन तूने प्रभु पिता परमेश्वर हमें एक अवसर के रूप में दिया, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम पर रहम किया है, अपना प्रिय पुत्र, इकलौता दुलारा पुत्र पिता परमेश्वर तूने हमें प्रभु हमारे पापों के खातिर इस संसार में बलि कर दिया, बलिदान दिया प्रभु, उसका लहू तूने पिता परमेश्वर हमारे रोगों के लिए बहा दिया, हम तेरा कुछ कुछ धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर के लिए जो पूरा दिन बीता पिता परमेश्वर तेरी बातों में और तेरे उन
उन कामों के लिए पिता परमेश्वर की जो कि तू हमसे चाहता था मगर हमारे जीवन से ना हो सके, हम क्षमा चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे बोली से, भाषा से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से आज के दिन अगर कोई भी पिता परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं हमने की है प्रभु, हम उनके लिए भी क्षमा चाहते हैं। तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो जो कि बीमारी के बिस्तर पे हैं, लाइलाज बीमारियां हैं प्रभु, पिता परमेश्वर तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है तू पिता परमेश्वर, हर एक इंसान का दिल और गुर्दा बनाने वाला परमेश्वर है, तू बेहतर जानता है प्रभु। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि ये चीजें प्रभु शारीरिक दुर्बलता या जीवन की जो कमी घटी होती है, जीवन में जो दुख संकट होता है, ये तेरी महिमा के लिए भी होता है, जैसे उस प्रभु पिता परमेश्वर नेत्रहीन के लिए हुआ था, जब लोगों ने पूछा, फकीर फरीसियों ने पूछा, ये अंधा पैदा क्यों हुआ, क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया, परंतु यीशु तू ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु परमेश्वर की महिमा हो, ताकि उसके अंदर जो कार्य हो सके, ताकि जो चंगाई तेरी उसको मिल सके प्रभु, उन सब चीजों से परमेश्वर की महिमा हो प्रभु। पिता परमेश्वर हमें सब्र दे प्रभु, खास तौर से उन लोगों के लिए जो एक लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पे हैं प्रभु, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, दिल से दुखित हैं, परेशान हैं, अपने आप में पिता परमेश्वर वो अपने जो विल पावर है वो खो चुके हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना खास तौर से आशा दीदी के लिए करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर वो अपने दर्द से, अपनी उस शारीरिक दुर्बलता से पिता परमेश्वर वो भी कहीं ना कहीं दुखित है, परेशान है प्रभु। पिता परमेश्वर को सब्र दे, दयालु परमेश्वर पिता, इस कठिन समय में तू उनके साथ साथ रहे, और प्रभु पिता परमेश्वर उनको ऐसा मन दे कि वो तेरी संगति में, तेरे वचन में, तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर ऐसी लीन हो जाए कि ये दर्द तो क्या, और भी बड़ी बड़ी तकलीफें, परेशानियां वो हंसते हुए झेल सके प्रभु। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को जो हम बातों के रूप में तुझसे करते हैं तू सुनता है और कबूल करता है, और हाँ और आमीन में जवाब देता है। तूने अभी तक मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी बातों को सुना, और तमाम को लोग पिता परमेश्वर जिस वीडियो को देखेंगे या जो लोग देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर जो अपनी बातों को तेरे आगे रखे हुए, उन सबकी बातों को तूने सुन लिया है और हाँ और आमीन में जवाब दे दिया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ा, असहाय नहीं छोड़ा, तू हमारे साथ साथ रहता है, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु तू अपनी दया के अनुसार हम पे अनुग्रह करता है। दयालु परमेश्वर पिता हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो शोकित परिवार है, जिनके अजीज पिता परमेश्वर आज इस लम्हे में और बीते लम्हे में, बीते दिनों में, बीते सालों में पिता परमेश्वर वो अपने अजीज को जो कि तुझ में सो गया उसको याद करके रोते हैं, परेशान होते हैं, विचलित होते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों का मन अपनी शांति से भर दे, अपने शांति के भंडार को खोल, ताकि पिता परमेश्वर वो शांति पा सके जो सदा और सर्वदा की है, जो तू देता है पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं हम तुझसे उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो जिन्हें पिता परमेश्वर शैतान तोड़ना चाहता है, जो तेरी नजदीकी में आना चाहते हैं, जो तेरी नजदीकी में चलते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन्हें शारीरिक दुर्बलताओं से, उन्हें पिता परमेश्वर मानसिक प्रताड़नाओं से, मानसिक टेंशन से प्रभु पिता परमेश्वर, संसार की कमी घटी से, और प्रभु पिता परमेश्वर दुखों से, संकटों से, परेशानियों से, क्लेश से, घर के क्लेश से पिता परमेश्वर वो अपने आप को उस संकट और दुख में पाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। मगर तेरा वचन बताता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं वो सारा तेरी संगति, तेरे वचन की उपस्थिति और तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवनों में सदा सर्वदा कार्य करती रहे। प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो प्रभु पिता परमेश्वर इस समय तलाक के कागार पे खड़े हैं प्रभु, जिन्हें तुमने जोड़ा है, जिन्हें पिता परमेश्वर जो एक बंधन में जुड़े हैं प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसों को प्रभु शैतान अलग ना करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसों को बहुत सी चीजें संसारिकता की हैं उनके मनों में जो भरी है
प्रभु हर चीज वो हट जाए। प्रभु पिता परमेश्वर खास तौर से उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, उन लेडीज के लिए, उन परिवारजनों के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर कि संतान की किलकारियां नहीं है, जहाँ पर संतान की कमी है, प्रभु पिता परमेश्वर अपने प्रभु तूने चमत्कार दिखाए हैं, तूने सारा वो पिता परमेश्वर जब वो बुढ़ापे में थी तब तूने उसे आदि माता बनाया। प्रभु पिता परमेश्वर अब्राहम जब वो 100 वर्ष का हुआ तब वो पिता बना। दयालु परमेश्वर पिता, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। विनती प्रार्थना है तमाम उन लोगों के लिए, तेरे देश दास और दासियों के लिए, तेरे प्रचारकों के लिए, तेरे तुरे उन पुत्र पुत्रियों के लिए जो तेरा प्रचार करते हैं, तेरे वचन का पिता परमेश्वर दूसरों को बताते हैं। दयालु परमेश्वर पिता उन्हें आशीष करना, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो प्रभु तेरे वचन का प्रचार करते हैं और प्रताड़ित होते हैं, दुख उठाते हैं, संकट में जाते हैं, ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर तू अपने रहम में, अपने सबर में, अपनी अपने उस प्रेम में, अपनी पवित्र सहभागिता में पिता परमेश्वर बांध ले पिता परमेश्वर, कि वो किसी भी तरीके से कोई भी दुख संकट में उनके ऊपर पड़ता है प्रभु पिता परमेश्वर, वो उसको नहीं परंतु तेरे वचन को, तेरी संगति को जान और पहचान सके, तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हर उन बातों से वो पिता परमेश्वर अपने आप को दूर कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं इस घोर गर्मी के समय प्रभु पिता परमेश्वर, गरीब मोहताज बेकस लाचार बेवाओं अनाथों के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए वो जरिए पैदा कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी उन चीजों का पिता परमेश्वर पा सकें जो उनकी दिनचर्या की है। दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खास तौर से आगरा मसीही मंडली के लिए पिता परमेश्वर, इस पेज के लिए, कि प्रभु जहां से प्रभु पिता परमेश्वर तरह तरह के तेरे बेटे और बेटियां प्रभु प्रचार करते हैं, प्रभु तेरे नाम का चिंतन और मनन करवाते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को आशीषों से सराबोर कर, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे, हर एक को अपने अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, कि जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, जैसी तेरी योजनाएं पिता परमेश्वर, वैसा ही वचन प्रचार किया जा सके। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए, उन संसार के कोनों के लिए, उन संसार के देशों के लिए, शहरों के लिए, नगरों के लिए पिता परमेश्वर, गांव के लिए, जहां पर तेरा अभी तक प्रभु पिता परमेश्वर नाम नहीं पहुंचा, जहां पर पिता परमेश्वर तेरे नाम से अनजान है, जहां पर तेरी सामर्थ्य से अनजान है, जहां पर पिता परमेश्वर तेरी संगति से अनजान है पिता परमेश्वर, बिछड़े हुए हैं अभी। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र और पुत्रियों को, अपने दास और दासियों को पिता परमेश्वर उस जगह पे भेज। प्रभु तेरा वचन बताता है, प्रभु पिता परमेश्वर जैसे यशाया कहता है कि मुझे भेज, प्रभु पिता परमेश्वर तेरे पुत्र और पुत्रियां, प्रभु जवान लोग इस बात को कह सके कि मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। ओ दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुखों से, हमारे जिभ्या से वो शब्द बोलने पाए प्रभु पिता परमेश्वर जैसे तेरा वचन बताता है, हम वचन से हट के कुछ भी ना बताए प्रभु पिता परमेश्वर। दयालु परमेश्वर पिता, उन बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्गी के आलम में बहुत से अपने शारीरिक दुर्बलताओं में पड़े हुए हैं, कानों का प्रभु सुनना बंद हो गया, आंखों का दिखना, रोशनी खत्म हो गई है प्रभु पिता परमेश्वर, चलना फिरना उनके टखनों का पल चला गया है शारीरिक दुर्बलताओं में प्रभु पिता परमेश्वर, उन्हें रात में नींद नहीं आती है प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर पाते है पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं ऐसे बुजुर्गों के लिए, ऐसे माता पिता लोगों के लिए, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पिता परमेश्वर, जहां पर कि उनका तिरस्कार होता है प्रभु पिता परमेश्वर, उस घर में उनके मनों में पिता परमेश्वर वचन का वो बीज बो दे पिता परमेश्वर, की अपने माता पिता का आदर कर दे, कि जब तेरे माता पिता बुजुर्गी में पहुंच जाए, बुढ़ापे में पहुंचे, तो उन्हें तुच्छ ना जानना। दयालु परमेश्वर पिता की, ताकि वो उस आशीषों को प्राप्त कर सके जो बुजुर्गों के द्वारा तू देता है प्रभु।
दयालु परमेश्वर पिता, जवानों के लिए स्पेशली, जो जवान भटके हुए हैं, जो जवान पिता परमेश्वर संसारिकता की चकाचौंध में प्रभु पिता परमेश्वर लिप्त है, जो पिता परमेश्वर तरह तरह के गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी मीडिया का इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर वो उन विचारों में जीते हैं, पिता परमेश्वर दयालु प्रभु दया कर ऐसे जवानों पर, प्रभु उन्हें छू ले, उन शौलों को पिता परमेश्वर, उन जवानों को जो कि प्रभु पिता परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु अपने विचारों से, अपने दिमागों से, अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर उन्हें अपने अपने उस प्रेम में पकड़ ले, प्रभु पिता परमेश्वर जैसे तूने शाऊल को पकड़ लिया था और उसने पौलुस बना दिया प्रभु पिता परमेश्वर, तो उनको भी पकड़ ले जो जवान है, जो प्रभु पिता परमेश्वर जो तेरे वचन का प्रचार रोकते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को तू छू ले पिता परमेश्वर पिता, कि ताकि वो भी पौलुस बन जाए और तेरा वचन दुनिया के कोने कोने में जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे तेरा वचन भी फैल सके। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तुझे तुझसे विनती प्रार्थना करते इस समय प्रभु वचन के लिए, कि पिता परमेश्वर जब तेरा वचन बोया जाता है बीज के द्वारा, एक बीज के रूप में बोया जाता है प्रभु पिता परमेश्वर, सुनने वाले के, चाहे वो अब सुने, चाहे वो ऑनलाइन सुने, चाहे वो बाद में वीडियो देखे, प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं तेरा वचन उनके हृदयों में बीज बन करके एक कोपल निकल सके, प्रभु पिता परमेश्वर एक वृक्ष बन के वो 100 गुना फल ला सके प्रभु, ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, तूने हमारे हर एक शब्द को जो हमने तुझे बताया है, कान लगाया है, सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए इस विनती को, इस प्रार्थना को, इस समय को पिता परमेश्वर तेरे अधिकार में देते विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, तेरे पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को जो एक एक करके वचन में जुड़ेंगे और परमेश्वर की संगति में जुड़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ेंगे, प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करें और आप सब लोगों का स्वागत और जय यीशु मसीह की। प्रभु करे कि आप वचन के अंत समय तक आप प्रभु के साथ संगति करते रहें। सो आज का वचन अगर मैं कहूँ तो यूहन्ना 15 और उसकी चंदे कायते मैं आपको समझाऊंगी, और संसार में जो हमारे जीवनों में, हमारे हमारे जिंदगियों में, आस पड़ोस में या हमारे रिश्तेदारी में, हमारे अजीजों के जीवन में, हमारे जीवन में एक बहुत अहम मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम वचन को पढ़ लें, उसके बाद हम उस मुद्दे पर जाएंगे जहाँ पर कि प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज के वचन का चिंतन और मनन करने वाले। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 15 उसकी फर्स्ट वर्स से देखेंगे, जॉन 15 chapter और फर्स्ट वर्स से, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया और सुना गया प्रभु की तरफ से, मुझे और आपको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे। हालेलुया।
हालेलुया। स्वागत है अंगराज जी आपका बहुत बहुत परमेश्वर की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर के वचन में। प्रभु आपको और आपके परिवारजनों को, आपके अजीजों को बहुत आयत की आशीषों से सराबोर करें। आशा दीदी मैं स्वागत करती हूँ आपका भी। प्रभु आपको पूर्ण चंगाई बहुत जल्द देने वाला है और ये उसका उसका वादा है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। मानते हैं कि दुख और तकलीफें हमारे जीवन में बहुत आयत से होती हैं, जिससे हम अपने आप को निराशा से भर लेते हैं, परेशानियों में, दुख में, संकट में हम ऐसे भर जाते हैं कि हमें उसका वादा याद नहीं रह पाता, या हम इतने दुखित हो जाते हैं, मन से इतने परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे मुख से निकलता है कि पता नहीं हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। हालेलुया। सो वचन जो है वो जो आज का मुद्दा है या आज का जो टॉपिक है वो है यूनिटी। यूनिटी जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा कि लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, वचन ऐसा बताता है, यूहन्ना ऐसे लिखे। और जो परम प्रधान परमेश्वर है वो किसान है। हालेलुया। और हम क्या है? डालियां हैं। जैसे एक पेड़ में डालियां बनी रहती हैं, एक यूनिटी होती है उनमें, पत्तियां होती हैं। और वो पल जब एक पौधे को, एक बीज बोया जाता है, तो वो मर करके एक नया वृक्ष बनता है या पौधा बनता है या पेड़ बनता है। तो जब वो डालियां और पत्तियां और उसके फल जब उसमें बने रहते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं, तो उनका जीवन फलवंत होता है। वचन ये बताता है। ऐसे ही प्रियो, जो आजकल का जो हम जिस बात पे, जिस टॉपिक पे विचार करेंगे, ये बहुत कॉमन बात है। हर परिवार की कहानी है, हर परिवार की कहानी है, मेरे घर की, आपके घर की, तमाम आस पड़ोस के घरों की, और ना जाने किस किस के, हर देश में, हर राज्य में, हर 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 शहर में, घर घर में ये कहानी है कि यूनिटी की कमी है। हालेलुया। सब एक दूसरे से थोड़े से अलग है, थोड़ा सा खिंचाव में है, थोड़ी सी टेंशन में है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? शायद शैतान यही चाहता है, बिल्कुल यही चाहता है। हालेलुया। जब आपने कहावत सुनी होगी जरूर से कि जब मुट्ठी बंधी होती है तो वो लाख की होती है, मगर जब खुल जाती है तो वो खाक की होती है। यानी जब हम मुट्ठी बांध के रखते हैं, हम यूनिटी में रहते हैं, तो हम बहुत होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। एक जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक पिता जो था, जब वो बुजुर्गी के आलम में गया और बीमारी के बिस्तर पे था, तो उसने अपने चार बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं मृत्युशैया पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस बात को मैं तुम्हें कहूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। उसके बेटे चारों चारों तरफ खड़े हो गए, चारों बेटे आ गए, आज्ञाकारी बेटे थे। और उसने अपने नौकरों से पहले से ही, उस पिता ने एक लकड़ी का गट्ठर बना रखा था, ढेर सारी लकड़ियों को लेकर के उसने गट्ठर बनाया हुआ था, और उसको एक एक बेटे को देने के लिए कहा और उनसे कहा कि इस गट्ठर की लकड़ियों को तोड़ दो। जय यीशु मसीह की दीपक लाल। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को बहुत आयत आशीषों से सराबोर करें। प्रियो क्या हुआ होगा, आप खुद जानते हैं कि उस लकड़ियों के गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ पाया, बिकॉज ऑफ वो यूनिटी में थी, ढेर सारी थी, एक साथ थी। मगर फिर पिता ने कहा, अपने दासों से कहा, इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, और तब अपने बेटों से कहा कि इन लकड़ियों को तोड़ो। एक एक लकड़ी उठाई और तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, सारी लकड़ियां टूट गई। मीन्स मतलब क्या है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब यूनिटी में होते हैं, जब साथ में होते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति अलग होती है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। शैतान की शक्तियां भी मुझे और आपको तोड़ नहीं सकती हैं। अगर हम मती, हालेलुया, मती 18 में देखें और उसकी 19वीं और 20वीं आयत देखें, तो वहां लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, हालेलुया,
मत्ती 18:19-20, सॉरी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। अब ये मत कहिएगा कि हम अकेले हैं घर में, तो हम अकेले प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है? बिल्कुल है। हालेलुया, आप और आपका हृदय, आपका मन अगर आपके साथ है तो भी दो जन हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर वचन कहता है कि जो दो दो या दो से ज्यादा जन जब प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो एक फास्ट एक्शन होता है। और क्या होता है कि उन प्रार्थनाओं का तोड़ शैतान के पास नहीं होता है। वहां पर भी एक यूनिटी की बात कुछ कही गई है। शैतान दो लोगों की संगति या दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की संगति तोड़ नहीं पाता। हालेलुया, प्रभु में बने रहो, सदा उसमें आनंदित रहो। प्रभु के साथ जुड़े रहना है और उसमें आनंदित रहना है। भजन संहिता अगर हम 133 देखें और उसकी फर्स्ट वर्स को देखें, तो वहां क्या लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया, आमीन। यह वचन भजन संहिता का लेखक कहता है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में बने रहे। हम अपने परिवार में ही एक मन नहीं हो पाते, संसार में कैसे होंगे, आस पड़ोस में कैसे होंगे, हम अपनी कलीसिया के साथ एक विचार कैसे होंगे। समय मुझे और आपको आज का वचन बता रहा है कि यूनिटी बहुत जरूरी है, परम प्रधान से और आपस में यूनिटी तो बहुत जरूरी है। अब ये अगर हम देखें तो हर रिश्ते की बात है, मैं किसी एक प्रॉपर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स और बच्चों की बात है, बुजुर्गों और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके उनके जो नाती पोते हैं या उनके जो बेटे बेटियां हैं उनके रिलेशन की बात है, या फिर पति पत्नी की बात है, या फिर आस पड़ोस में जो बात है, उस रिश्ते में चटकन है, दरार है, बातचीत होती है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, हर चीज है, खाना पीना खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, मगर दिल में एक दरार है एक दूसरे के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसी चीज है, प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसी बातें, ऐसी प्रार्थना हमारी प्रभु कबूल नहीं करता। हमारी चीजें जो हम मांगते हैं वो रुकती है। हालेलुया, आमीन। सो वचन मुझे और आपको क्या बता रहा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जब आपस में हम एक दूसरे से मिले रहेंगे तो शैतान का कोई भी तीर किसी के भी जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। जो तीर तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं वो एक भी तुझे हानि ना पहुंचाने पाएंगे, वचन मुझे और आपको ये बताता है। हालेलुया, शैतान की बातें जो आप में पैदा करता है, मुझ में और आप में पैदा करता है, वो हम देखते हैं बहुत सी ढेर सारी चीजें हैं जिनको कि मैं और आप आज की सांझ की बेला में जरूर से देखेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंफ्यूजन। हालेलुया, हर रिश्ते में, हर मनुष्य के हृदय में कंफ्यूजन पैदा करता है। सबसे पहला कंफ्यूजन पति पत्नी में, माता पिता में, या भाई बहनों में, या किसी भी रिलेशन में होता है। किस बात का? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, तुम मुझसे मेरे मुझसे लगाव है भी तुम्हें या नहीं है। पिता माता पिता की दो संतानें, दोनों संतानें कंफ्यूजन में रहती हैं कि पता नहीं मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है या भैया को करती है, पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं या दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं, कंफ्यूजन में। और यही कंफ्यूजन शैतान ने हम देखते हैं उत्पत्ति 3rd चैप्टर में आदम और हवा के और
उनके स्पेशली हवा के दिमाग में डाला, कहाँ पर कि जब वो बैठे हुए थे तो शैतान घूमते घामते आया वहाँ उस वाटिका में, अदन की वाटिका में, और उससे कहा जो तुम फल जिसे प्रभु ने कहा है, हम देख सकते हैं तीसरा चैप्टर उसमें लिख फर्स्ट वर्स को देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम इस वाटिका के किस कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष को ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वृक्ष के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है ना तो खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब शैतान ने क्या कंफ्यूजन डाल दिया, मरोगे नहीं मगर तुम्हें समझने की, सोचने समझने की बुद्धि आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, इसलिए तुम उसे खा लो। अब हवा और आदम कंफ्यूज्ड, क्या सच है, क्या जो शैतान बोलता है वो सच है या क्या जो प्रभु बोलता है, प्रभु यहोवा ने मुझसे और आपसे कहा, उनसे कहा है वो सच है। कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही शैतान जो है, जो विवाहित जोड़े हैं उनके जीवन में एक कंफ्यूजन डाल देता है। ये मेरी बातों को समझते भी है या नहीं समझते, ये मेरी बातों को ध्यान करती भी है या नहीं करती, ये मुझसे लगाव है भी या नहीं है, ये मुझे टाइम क्यों नहीं देती। संसार में, आज की दुनिया में, आज के समय में, इन अंतिम दिनों में इंसान जो है व्यस्त इतना हो गया है कि उसके पास टाइम तो है ही नहीं अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हकीकत बताऊं, अपने बच्चों के लिए भी उसके पास समय नहीं है, क्योंकि मेड रख दी जाती है, बच्चा छोटा है तो उसके लिए नौकरानी रख दी, सर्वेंट रख दिया गया, घर के कामों के लिए एक सर्वेंट रख दी गई, हर चीज के लिए एक सर्वेंट, पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो वाली चीज है। आज इंसान के पास समय ही नहीं है, और समय वो शैतान कहाँ कैसे खोता है, एक बहुत बड़ा हथियार उसने इजाद किया है शैतान ने, जो हमारी भलाई के लिए भी है मगर हमारी बुराई के लिए भी है, हमारे जीवन के उस नरक की ओर लेके जा रहा है। वो हथियार कौन सा है? जी हाँ, आप जानते हैं, आप सही समझे, वो है फोन। हालेलुया। चार पांच लोग घर में बैठे होंगे और चार पांच लोगों के हाथों में फोन होंगे और सब अपने फोन में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, चाहे वो पिक्चर देख रहे हैं, चाहे वो चुटकुले सुन रहे हैं, चाहे वो किसी से चैट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो आपस में उस यूनिटी में बैठ करके, जैसे वो एक घर में, एक कमरे में बैठे हैं, उस वो संगति के साथ बैठे हैं, मगर वो आपस में विचारों में नहीं बैठे, मगर प्रभु कहता है यूनिटी में रहो, मुझ में बने रहो। हम तो फोन में बने रहते हैं। सॉरी, आपने देखा होगा, आपने खुद भी देखा होगा, अपनी लाइफ में भी देखा होगा, मेरे साथ भी ऐसा। सॉरी, हमारा फोन, कोई जगह ऐसी है जहां पर कि हमारे हाथ से हमारा फोन अलग होता हो, सोते समय तकिए के नीचे, या सराहने, या बेड पे थोड़ी सी दूर पे, या साइड टेबल पे। हालेलुया। टॉयलेट में जाएंगे, फ्रेश अप होने जाएंगे, वहां पर भी फोन जा रहा है। हमारी संगति तो फोन से होती है, फिर पति पत्नी की संगति कैसे हो सकती है? कंफ्यूजन डालता है शैतान, और उससे क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, दूरियां बढ़ाता है शैतान। शैतान क्या करता है, दूरियां, पहले कंफ्यूजन पैदा कर दिया और उसके बाद दूरियां बढ़ गई उससे। हम आदम हवा को देख सकते हैं, जब उन्होंने कंफ्यूजन में वो पाप कर दिया कि हाँ देख तो ले, ये तो खाने में बहुत देखने में बहुत सुंदर है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा,
देख लेते हैं, मरेंगे या फिर हमें बुद्धि आ जाएगी या फिर हम ता उम्र ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। हवा ने खाया उसी ने नहीं खाया बल्कि आदम को भी खिला दिया। हालेलुया। पाप वहीं से आया और वो कंफ्यूजन क्या हो गया, प्रभु और आदम और हवा की क्या हो गया, जो संगति में रहते थे 24 घंटे में, वो शाम की बेला में प्रभु आता था बाग्यादन में, उस वाटिका में, और उनसे बातचीत करता था। वो बहुत मनोहर बात थी, बहुत ही आनंदित बात थी कि प्रभु आता था रोज उनसे मिलने, रोज मुलाकात होती थी। वो मुलाकात क्या हो गई, दूरी में बदल गई, वो छुप गए उस पाप को करके, उस कंफ्यूजन में पड़ के और उससे पाप कर बैठे। हालेलुया। और जब प्रभु आया तो उसने कहा, आदम आदम तू कहाँ है, उसने कहा मैं छिप गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं इस बात को। और वो दूरियां बढ़ा दी उस शैतान ने, ऐसे ही वो आज के वाइफ हस्बैंड के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, हर रिश्ते के बीच में वो कंफ्यूजन पैदा करके दूरियां बढ़ा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या है, अभी थर्ड पॉइंट पे अगर हम जाएं तो वचन को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। कैलेंडर बड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, उसमें वर्सेस लिखी होती है, प्रभु की वर्स दी होती है, डेली 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 पूरे महीने का एक 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 वर्स लिखी होती है उसमें, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। बहुत से लोग जो बिजी लोग होते हैं, बहुत से लोग जिनके पास समय नहीं होता है, उसी एक आयत को पढ़ करके अपने जीवन का आधार समझ के, अपने जीवन का पूरा पूरा अपने दिन का एक खाका बना करके उसी आयत से पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और निकल जाते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है, वचन का बैलेंस जो है, जो मैंने और आपने बनाया होता है, वो शैतान उसको बिगाड़ता है। हालेलुया। शैतान दूरी कर देता है प्रभु से, प्रभु के वचन से। हालेलुया। और क्या होता है, इस दूरी से क्या होता है, जब प्रभु की दूरी बनती है, जब आपस में दूरी बनती है, तो क्या होता है, विरोधाभास होता है, काय का, विचारों का, फीलिंग्स का, आपस में बहसबाजी होती है, आपस में एक दूसरे से तनातनी होती है, आपस में विचारों में क्या होता है, अलगाववाद होता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि शैतान एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को वो मनुष्य के हृदय में या उन उन पति पत्नियों के जीवन में डालता है। हालेलुया। जिससे कि उनके उनके जो आपस का संबंध था, जो प्रेम मोहब्बत का संबंध था, जो जो एक एक लगाव था, उससे वो दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्या होता है कि वो आई एम द बेस्ट, मैं भी कमा रही हूँ, तुम भी कमा रहे हो, फिर कमी किस बात की है भाई, तुमने भी ये करना है, तुमने भी वो करना, छोटी छोटी बातों पे बहस होने लगती है, छोटी छोटी चीजों पे बहस होने लगती है, और फिर बात कहाँ पहुंचती है, अपशब्दों पे, गाली गलौच पे, मारपीट पे, तनाव में, ऐसी जिंदगी नरक सी बन जाती है जब प्रभु से दूरियां होती है, जब आपस में एक दूरियां होती है, जब जब शैतान कंफ्यूजन डालता है, जब वो एक दूसरे को अलगाववाद की स्थिति में खड़ा कर देता है, और एट लास्ट क्या होता है, आखिर में क्या होता है, डिवोर्स, आखिर में क्या होता है, कड़वाहट, आखिर में क्या होता है, पछतावा, आखिर में क्या होता है, इतनी दूरियां कि वापस आने का कोई ऑप्शन ही जीवन में नहीं होता। प्रियो, अभी भी परमेश्वर के द्वारा ऐसी चीजें हैं जिससे कि उन रिश्तों में उस पानी की तरह काम करेंगी, जो कि पौधा हरा भरा हो जाए, वो संबंध, वो विरोधाभास, विचार, फीलिंग्स, हर चीज को वो कर देगा, आगे बढ़ाएगा। उससे पहले मैं देखें कि एक और चीज है जो कि आपस में
दूरियां बढ़े, शैतान पैदा करता है ताकि इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाए कि गिरे और गिरता ही चला जाए। कंफ्यूजन, दूरियां, और दूरियों के बाद क्या होता है, घमंड आ जाता है। घमंड में इंसान क्या होता है, मैं भी ये हूं, मैं भी ये हूं, तुम हो तो क्या हो, तुमने किया तो क्या किया, मैंने भी किया। हालेलुया, वहां हम की जगह पर मैं आ जाता है, वहां हम की जगह पर मैं आ जाता है और जीवन तहस नहस हो जाता है। हालेलुया, ये शैतान जो अगर घमंड की बात करें तो लूसीफर को भी क्या था, घमंड हो गया था, वो अपने आप को प्रभु के बराबर समझने लगा था, परमेश्वर की उसमें समझने लगा था कि मैं तो प्रभु बन गया, तो मेरे में भी सब ज्ञान है। ये मानते हैं कि उसको जितना मुझे और आपको ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान बाइबल का, स्वर्गीय ज्ञान उसको है। उसने परम प्रधान के पुत्र की, यीशु मसीह की परीक्षा करी, हम मत्ती 4 में देख लेते हैं, उसने वचन के द्वारा वार्तालाप किया यीशु से। हालेलुया, लिखा है, वचन में लिखा है कि ये पत्थर को रोटी बना दे तो वो बन जाएगी। प्रभु ने भी उसको, प्रभु के बेटे ने भी उसको वचन के द्वारा ही जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, बहुत सी 3 परीक्षाएं और तीनों परीक्षाओं में प्रभु ने उसको जवाब दिया और फिर वो वहां से, जब यीशु ने डांटा तो वो वहां से भाग गया, चला गया। घमंड जो है रिश्तों को बिगाड़ता है, तोड़ता है। इन सब चीजों को मुझे और आपको, और स्पेशली उन रिश्तों को जहां पर दरार पड़ रही है, जहां पर दूरियां हो रही है, उन लोगों को कुछ पॉइंट्स है मैं देना मांगूंगी प्रभु की अगुवाई से, प्रभु की सामर्थ्य से और प्रभु की उपस्थिति से, कि हम 2-3 चीजें हैं जो अगर कर ले, स्पेशली उन परिवारों में जहां पर की अलगाववाद है, जहां झगड़े होते, जहां लड़ाई झगड़े होते, जहां अपशब्द कहे जाते, जहां गाली गलौच होती है, जहां पर की जो सास लोग होती है वो चुपचाप रहती है क्योंकि वहां पर बहू होती है। हालेलुया, प्रभु उन परिवारजनों में, उन परिवार के लोगों में जहां पर की सास सास बन के रह जाती है, बेटी बहू बहू बन के रह जाती है, ऐसे परिवारों में प्रभु करे अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी अति करुणा के द्वारा उन सारी चीजों को जो शैतान की है खंडित कर दे, तोड़ दे, चकनाचूर कर दे और हर उस बंधन को खोल दे जो शैतान ने बांध रखे। आमीन। सो मैं बता रही थी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि बहुत सी चीजों को, बहुत सी नहीं बल्कि सारी चीजों को तोड़ा जा सकता है जो शैतान की है। हालेलुया, सबसे पहला है पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन जो हर एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। हालेलुया, आमीन। इसको अगर हम देखें तो नीति वचन 24 में देख सकते हैं और उसका 3रा और 4था वर्स है, वहां पर लिखा है, पर बुद्धि से घर बुद्धि से बनता और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। जिससे इंसान ये सोचता है कि हमें कमाना है, कमाना है, कमाना है, इसलिए कमाना है, लग्जरी लाइफ जीने इसलिए कमाना है, घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है, वो कमाता जाता है, कमाता जाता है, कमाता जाता है। मगर वचन कहता है बुद्धि से घर बनता है और समझ से, समझ के द्वारा वह स्थिर होता है। और ये बुद्धि और समझ कहाँ से प्राप्त होती है, परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। हालेलुया, ये संसारिकता की जो किताबें हैं उनसे नहीं प्राप्त होती समझ, ये समझ स्वर्गीय समझ है, ये बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि है जो परमेश्वर के वचन से, पढ़ने से आती है। और सारी चीजों को वो जो शैतान की है, सारे तीरों को जो शैतान के हैं, उन सारे बातों को वो तोड़ता है। परमेश्वर का वचन
हर शैतान के तीरों को खंडित कर देता है। सो तमाम वो लोग अगर जो सुन रहे हैं और घर में क्लेश है, परेशानी है, दिक्कत है, आपस में मनमुटाव है, आपस में मैं है, कंफ्यूजन है, दूरियां है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और उस पर चलना शुरू कर दे, अपने आप से सारी दूरियां जाती रहेंगी। हालेलुया। आगे देखें तो और है जो कि हालेलुया, जैसे एक और जगह देख सकते हैं हम नीति वचन 4। हालेलुया, नीति वचन 4 उसका तीसरा और चौथा वर्ष है। वहां लिखा, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का दुलारा था, और मेरा पिता मुझसे यह कर सिखाता था, मेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा, संसारिकता से भी और आत्मिक रूप से भी। परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रह सकता है। हालेलुया, आमीन। अगर हम जैसे हमने शुरुआत करी थी वचन की कि यूहन्ना 15 दोबारा से हम देखें तो वहां पर वचन क्या कहता है कि थर्ड वचन देखें, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। वचन के द्वारा हम शुद्धता प्राप्त करते हैं, वचन के द्वारा हमारे विचार शुद्ध होते हैं, अशुद्धता हमारे मन में नहीं रहती, वो घमंड हमारे मन में नहीं रहता जब हम परमेश्वर की संगति में उसके वचन के द्वारा रहते हैं। हालेलुया, आमीन। और एक और चीज कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वचन को पढ़ना और प्रार्थना में रहना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको शैतान का पिताजी भी है, वो भी आपको अलग नहीं कर सकता, आपके अच्छे रिश्तों से, आपके अच्छे अच्छे विचारों से, आपके परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, आमीन। सो क्या बोलता है यहाँ पर वचन, कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे अपने आप तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में, वचन के द्वारा उसमें मुझे और आपको बने रहना है ताकि मैं और आप फलवंत होते रहे। मुझे और आपको उसके वचन से और उसकी प्रार्थना के, जो हमारी प्रार्थनाएं होती है उससे बातचीत करने से मुझे और आपको अलग करता है शैतान। मगर यदि हम दृढ़ता से प्रभु में बने रहने के लिए उसकी उसकी आज्ञाओं में बने रहे, उसके वचन में बने रहे, उसके संगति में बने रहे, तो शैतान के हर उस योजना को हम खंडित कर सकते हैं, उसकी हर विचार को हम खंडित कर सकते हैं, और हम सुख हर जीवन यहां पर भी जी सकते हैं संसार में, और उस जीवन के लिए भी हम तैयार हो सकते हैं जो कि अनंत काल का जीवन है, जो कि अनंत काल का जीवन और वो स्वर्ग, स्वर्गीय घर जो प्रभु ने मुझे और आपको रहने के लिए, वो यहाँ से प्रभु का परम प्रधान पुत्र यहाँ से गया है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं और आप उसमें रहने लायक बन सकते हैं। कब? जब मैं और आप उस पेड़ की तरह, जैसे उस पेड़ की डालियां उसमें बनी रहती हैं, वैसे ही मुझे और आपको उसमें बने रहना है। तभी क्या होगा कि मैं और आप शैतान को हरा पाएंगे, संसारिकता को हरा पाएंगे, संसार की उन अनरीतियों को हरा पाएंगे, संसार शारीरिक उन अभिलाषाओं को हरा पाएंगे, उन विचारों को हरा पाएंगे जिससे कि मैं और आप अशुद्ध हो जाते हैं। जबकि वचन कहता है कि क्या है, वचन से तुम क्या हो चुके, शुद्ध हो चुके। थर्ड वर्स, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मैं और आप शुद्ध है, मगर प्रभु से दूर हो करके, उसके वचन से दूर हो करके, उसकी संगति से दूर हो करके मैं और आप अशुद्धता में चले जाते हैं।
जो शैतान चाहता है। शैतान मुझे और आपको कभी भी नहीं तोड़ पाएगा अगर मैं और आप उसके वचन में, उसकी संगति में और उसकी उपस्थिति में और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम बने रहते, तो मुझे और आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं बरगला सकता, कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा हमारे जीवन के लिए, हमारी उस लाइफ के लिए जहां पर कि मैं और आप अजीजों से, अपने लोगों से, अपने माता पिता से, अपने बुजुर्ग माता पिता से, अपने बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने बुजुर्ग रिश्ता, अपने अपने उन लोगों से जो अजीज थे मगर अब नहीं रहे, शैतान कार्य नहीं कर पाएगा। जब मैं और आप, जैसे तीतुस लिखता है, हर एक एज के मनुष्य के लिए उसने लिखा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो पुरुष और स्त्रियां जो बुजुर्ग हैं, वो प्रभु में बने रहे ताकि वो बच्चों को भी शिक्षा दे सके। हालेलुया। स्त्रियां क्या करें कि वो जवानों को समझाएं। बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसान अपने जीवन में कर रहा है उसके लिए वचन तीतुस, आप पढ़ लीजिएगा, टाइटस बाइबल में एक टाइटस वो है, बुक है, बहुत छोटी है और उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर बहुत सी चीजें आपको आशीषित कर सकती है और संभलने का बहुत मौका मिल सकता है आपको। सो प्रभु करे आज के वचन से, आज की उसकी संगति से, आज की उसके उसकी आशीषों से मैं और आप हर कोई सराबोर हुआ हूं। और ये आशीषें हमारे जीवन में सदा और सर्वदा बनी रहे ताकि एक पेड़ से जैसे डालियां बनी रहती है, वैसी मैं और आप प्रभु में बने रहे, आपस में रिश्तों से बने रहे ताकि मैं और आप 100 गुना फल लेके आए, ताकि मुझे और आपको देख करके, ताकि हमारे अजीजों के जीवनों को देख करके क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो और दूसरे उनसे समझ प्राप्त कर सके, दूसरे उनसे उन रास्तों को छोड़ करके जो कि परमेश्वर से दूरियां बनाती है, जो आपस में दूरियां बनती है, उनसे वो हट सके। हालेलुया। सो प्रभु करे आप सब लोगों को अपने वचन से और अपनी संगति में बहुत बहुत आशीषित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु, याकूब के परमेश्वर यहोवा, इज़ाक के परमेश्वर यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते इस वचन के लिए, इन इन तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरी संगति के लिए, तेरी उस उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे साथ हुई। हम तेरा लाखों करोड़ों करोड़ों गुना धन्यवाद देते कि हमें तूने आशीषित कर दिया, कि बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसको हम शायद नजरअंदाज करते, शायद पिता परमेश्वर हम अपनी कमियों को ध्यान ही नहीं देते, शायद पिता परमेश्वर हम अपनी अपनी कमियों को मानना ही नहीं मानते, परंतु तेरा वचन पिता परमेश्वर सबसे अहम चीज बताता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम फलवंत होगे। प्रभु पिता परमेश्वर संसार का हर रिश्ता तुझ में होकर के पवित्र और शुद्ध हो और तुझ में होकर के मजबूत हो, और प्रभु पिता परमेश्वर जैसे तूने जोड़ा है वैसे ही वो आपस में मिले और मिलजुल के रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर जो तेरे बच्चे हैं वो प्रभु पिता परमेश्वर मेल मिलाप से रह सके। शैतान की हर बात को यीशु के नाम से, शैतान की हर योजनाओं को यीशु के नाम से, शैतान की हर अभिलाषाओं को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, और प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को, तेरी संगति को, तेरे वचन को पिता परमेश्वर प्रत्येक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे भंडारों से, पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते कि अपने भंडारों से इनके जीवनों में उतर दे। दयालु परमेश्वर पिता हर बात का अधिकार हम तेरे, अपने जीवनों का हर बात का अधिकार हम तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्राप्त हो तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करे और सदा सर्वदा अपने वचन में, अपनी संगति में और अपनी आशीषों में बनाए रखे। आमीन आमीन आमीन।